यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1996 में एवरेस्ट पर घटी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस दौरान क्या हुआ था। सर 1953 में एडमुंड हिलेरी और टेनजिंग नॉर्गे पहले ऐसे इंसान थे जो पहली बार एवरेस्ट पर चढ़े थे। उसके बाद बहुत कम ऐसे लोग थे जो एवरेस्ट पर चढ़े थे, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब है मौत। 1992 में रॉब हॉल नाम के एक आदमी ने इसे अपना बिजनेस बना लिया था और उसने लोगों को एवरेस्ट पर ले जाने का काम शुरू कर दिया था। और अगले 4 सालों में वो बिना किसी हादसे के 19 लोगों को एवरेस्ट पर लेकर गया था। और सर 1996 में रॉब एक टीम को एवरेस्ट पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले रॉब की वाइफ उससे कहती है कि तुम जल्दी वापस आना, क्योंकि रॉब की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। रॉब कहता है कि मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपना सफर पर निकल जाता है। तारीख थी 30 मार्च 1996। बहुत सारे टूरिस्ट काठमांडू नेपाल पहुंचे थे। रॉब हॉल की कंपनी का नाम होता है एडवेंचर कंसल्टेंट और रॉब की टीम में कई सारे लोग होते हैं, जैसे डॉग जॉन, यासुका और कई लोग होते हैं। इनकी टीम में 13 लोग थे। इनका सफर 40 दिनों का होता है और उन्हें 10 जून की दोपहर को एवरेस्ट शिखर पर पहुंचना था। अब ये पूरी टीम काठमांडू से हेलीकॉप्टर से 9,383 फीट ऊंचाई पर एक जगह इलाकुला पर पहुंचते हैं। इसके बाद ये सब पैदल चलकर आगे बढ़ते हैं और 17,600 फीट की ऊंचाई पर एक बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ कई सारे लोग थे जो अलग अलग कंपनियों के साथ एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते थे। 23 अप्रैल को पूरी टीम 21,300 फीट की ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। यहाँ पर सब लोग कैंप लगाकर रुकते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेते हैं। दरअसल जो कंपनियां इन टूरिस्ट को एवरेस्ट पर ले जा रही होती हैं, उन्होंने अलग अलग पर्वत पर अपने अपने कैंप लगाए होते हैं ताकि टूरिस्ट यहां आराम कर सके। अब यहां से आगे का सफर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आगे ऑक्सीजन लेवल और भी कम होने वाला था। पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल सीधी होती है और बहुत भयानक भी। ये वो जगह है जहां आप बादलों के साथ होते हैं। यहां सारे यात्रियों के लिए सभी कंपनियों ने मिलकर रस्सियां लगाई होती हैं ताकि यात्री उन पर चढ़ सके, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहां का मौसम और ऑक्सीजन की कमी इंसानों को खुद में ही धीरे धीरे मारना शुरू कर देती है। अब ये सब यहां से आगे बढ़ते हैं, जहां पहाड़ चढ़ते टाइम इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत देर तक चलने के बाद ये लोग कैंप 3 तक पहुंच जाते हैं, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर था। रात को रॉब की टीम और बाकी टीम वहीं कैंप लगाकर रुकते हैं। तभी रॉब स्कॉट से कहता है कि हमारा 10 तारीख तक शिखर पर पहुंचने का प्लान है। तभी स्कॉट कहता है कि हमारा भी 10 तारीख तक शिखर पर पहुंचने का प्लान है। इसलिए रॉब स्कॉट से कहता है कि क्यों ना हम एक टीम बनाकर एक साथ शिखर पर चढ़ाई करें। इस पर स्कॉट भी मान जाता है एक साथ जाने के लिए। तब रॉब कहता है कि हमें शिखर पर चढ़ाई करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के 8 सिलेंडर लेकर जाना चाहिए। स्कॉट तो मान जाता है, लेकिन दूसरी टीम का लीडर कहता है कि हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वहां पर हेलन रॉब से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि मौसम खराब होने वाला है, अगर तूफान ने अपना रास्ता नहीं बदला तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए तुम्हें जल्दी वहां से कैंप 3 तक आना होगा। इस पर रॉब कहता है कि पहाड़ पर कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ अपना मौसम खुद बनाते हैं। और रॉब अपनी पूरी टीम को लेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू कर देता है, जहां हवा बहुत तेज होती है और एक एक कदम बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन इन सब का सपना होता है कि वो लोग माउंट एवरेस्ट पर अपना झंडा गाड़ सकें, इसलिए वो लगातार चढ़ते रहते हैं। काफी चढ़ाई करने के बाद ये लोग अपना 4th कैंप तक पहुंच जाते हैं, जो कि 26,085 फीट की ऊंचाई पर था। वहां पहुंचने पर मौसम काफी खराब हो जाता है, इसलिए सब तय करते हैं कि ये लोग अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब है मौत। शुक्रवार 19 मई को मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है, तूफान अब थम चुका था। अब रात को ये सब लोग 12:30 पर ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं और यहां से शिखर पर पहुंचने का रास्ता 12 घंटों का आता है। और ये सब इसी उम्मीद पर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं कि कुछ ही घंटों में ये सब अपने सपने को पूरा कर लेंगे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग 27,600 फीट के ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। टाइम होता है सुबह के 4:55। यहाँ पर इनकी टीम में एक आदमी था जिसका नाम बैग था। तभी उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसे सही से दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसने कुछ साल पहले ही अपनी आंखों की सर्जरी कराई होती है। रॉब उससे कहता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर तुम बेहतर महसूस करो तो तुम भी आगे आ जाना, नहीं तो तुम यहीं पर रुकना, मेरा इंतजार करना। अब बचे हुए लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर रस्सियां नहीं होती और ये सब यहां पर रस्सियां बांधना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिना रस्सियों के ऊपर जाना नामुमकिन है। अब यहां से 3 लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं, क्योंकि ऊपर हवाएं काफी तेज हो चुकी थी और ठंड बहुत ज्यादा होती है और उनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी थी।
और इसीलिए मंजिल बहुत करीब होने के बावजूद भी वो लोग वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर एवरेस्ट की पहाड़ियों पर बहुत बड़ी बर्फ की दरारें होती हैं, जिनकी तह का कुछ भी पता नहीं होता है, और इन्हीं दरारों में गिरकर 19 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसलिए बिना रस्सियों के सीढ़ियों पर आप एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकते। अब इनकी पूरी टीम जहाँ पर होती है वो 28,740 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद इनको हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया ऑक्सीजन की कमी से होता है, जिसमें गर्मी लगने लगती है, जबान लड़खड़ाने लगती है और गुस्सा भी आता है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे उन्हें कॉम्प्लिकेशन होने लगती है, जैसे दिमाग में सूजन आना, फेफड़ों में पानी भर जाना, और ये सब मौत की एक वजह हो सकती है। अब ये रस्सियां लगा देते हैं और शिखर पर आगे बढ़ते हैं। अब इनकी हालत खराब होने लगती है और इनकी ताकत खत्म होने लगती है। बस एक जुनून होता है जिससे सब आगे बढ़ रहे होते हैं, और दोपहर 1:14 पर ये लोग एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाते हैं। जो इन्होंने ठान लिया था वो कर दिखाया था। रॉब और उनकी टीम बहुत खुश होते हैं और कुछ ही देर में ये वापसी का सफर पर निकलने का फैसला करते हैं। वैसे प्लान के हिसाब से इन्हें 2 बजे तक वापस लौट जाना होता है, लेकिन ये लेट हो जाते हैं और वहाँ का मौसम बहुत खराब होने लगता है। इन्हें सांस लेने में भी परेशानी होती है क्योंकि सबका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था। रॉब हैंक को बताता है कि उनका सिलेंडर खत्म हो चुका है और जितने भी लोग शिखर पर पहुंचे थे वो सब वापस लौट रहे हैं। अभी थोड़ा नीचे आते हैं तभी वहाँ डॉग नाम का एक आदमी इनकी टीम में जो था वो आ रहा होता है। रॉब उसे मना करता है क्योंकि वो लोग बहुत लेट हो चुके थे, लेकिन वो कहता है कि अगर वो आज नहीं गया तो वो कभी नहीं जा पाएगा, और रॉब उसे बड़ी मुश्किलों से ऊपर ले जाता है। डॉग की हालत बहुत खराब होने के बावजूद भी वो एवरेस्ट शिखर पर पहुंच जाता है, और जब वो वहां से नीचे उतरना शुरू करता है तब डॉग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बेहोश की हालत में होता है। अब ये दोनों ऊपर फंस चुके थे। रॉब की टीम उसे वापस आने को बोलती है, मगर रॉब डॉग को छोड़कर आने से मना कर देता है। वो बोलता है कि ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल है, और वो उसे रस्सियों के सहारे बड़ी मुश्किल से नीचे उतारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ बहुत भयानक तूफान आ जाता है और रॉब डॉग को वहीं पर छोड़कर उसके लिए ऑक्सीजन लेने जा रहा होता है। वो डॉग को बोलता है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन डॉग का दिमाग पूरी तरह से सुन हो चुका था, इसलिए वो उसकी बात नहीं समझ पाता और उसके पीछे आने लगता है। ये बात रॉब नहीं जानता था, और डॉग पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब रॉब भी पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहाँ उसका एक साथी आता है, इसे ऑक्सीजन का आधा सिलेंडर मिला था, और वो रॉब को ऑक्सीजन दे देता है, और वो दोनों तूफान में नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। ये 13 लोग थे जो ऊपर फंसे हुए थे। तूफान और ज्यादा बढ़ जाता है। रात के 3 बज रहे थे। नीचे कैंप से हेलन उन्हें बताती है कि उनकी मदद के लिए किसी को भेजा जा रहा है, और वो उसके पास तभी आ सकते हैं जब तूफान रुकेगा, और ऊपर वो लोग ऑक्सीजन की कमी और ठंड की वजह से मर रहे थे। आज दिन था 12 मई, सुबह 5 बजे। रॉब के साथ जो उसका साथी था, ठंड की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब रॉब बेहोशी की हालत में था तो उसका साथी अपनी जैकेट उतार देता है, क्योंकि वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुका था, और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब इनका पूरी तरह से कैंप से संपर्क टूट चुका था। जब तूफान रुकता है तब रॉब को कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। वो उन्हें बताता है कि मुझे मदद चाहिए और मेरे साथी मर चुका है। वो लोग रॉब से बोलते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके खुद ही नीचे आना होगा, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। रॉब उनसे बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, और इसके बाद इनका कनेक्शन टूट जाता है। तभी हेलन बोलती है कि रॉब की वाइफ को कॉल लगाओ और उसका फोन सैटेलाइट फोन से कनेक्ट करो, उसे अपनी वाइफ की आवाज़ सुन के हिम्मत मिलेगी। और फिर वो ऐसा ही करते हैं। वो रॉब की वाइफ की उससे बात कराते हैं। रॉब की वाइफ उससे बोलती है कि तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा, कुछ ही देर में धूप निकल आएगी, बस तुम किसी भी तरह नीचे आ जाओ। रॉब को वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि हवाएं बहुत तेज थी, उसके पास जो ऑक्सीजन था वो उसे खोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि ठंड की वजह से उसकी उंगलियां जम चुकी थी। रॉब की वाइफ उसे हिम्मत देती है। इसके बाद वो रॉब वहां से रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रॉब को बचाने के लिए गए होते हैं वो लोग ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे क्योंकि हवाएं बहुत तेज थी, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ता है। रॉब को बताया जाता है कि जो लोग तुम्हारी मदद के लिए आ रहे थे वो तेज हवाओं की वजह से वापस लौट चुके हैं। रॉब कहता है कि मुझे यहाँ पर एक और रात रुकना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ से अकेला नहीं निकल सकता। वहीं रॉब की वाइफ उसके लिए बहुत परेशान होती है। वो बोलती है कि मुझे रॉब से बात करनी है। वो रॉब से बोलती है कि तुम्हें घर आना होगा, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रॉब कहता है कि मैं सारा से नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि उसकी वाइफ को लड़की होने वाली थी और रॉब ने पहले ही उसका नाम सारा रख दिया था। रॉब कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि रॉब समझ जाता है कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा, ये उसका आखिरी वक्त है।
उसकी वाइफ बोलती है कि तुम हार नहीं मान सकते। रॉब कहता है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और इसके बाद ही उनका कनेक्शन टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैग है, इसे देखने में परेशानी हो रही थी, वो नीचे उतरने वाले लोगों के साथ कुछ दूर तक आ चुका था, पर रात को तूफान के बाद वहाँ से सब लोग जा चुके थे और जो भी वहाँ पर रुके थे वो सब मर चुके थे, लेकिन बैग अभी भी जिंदा था और उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं और उसे उसकी वाइफ और बच्चे दिखाई देते हैं। वो अपनी पूरी हिम्मत से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है और नीचे कैंप तक पहुंच जाता है जहां पर और भी लोग थे, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अगर उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिली और उसे नीचे नहीं लाया गया तो वो वहीं पर मर जाएगा। और जब ये बात उसकी वाइफ को पता चलती है तब वो बोलती है कि मैं हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लूंगी। हेलेन बोलती है कि ऊपर हवा का दबाव बहुत तेज है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, पर बैग की वाइफ नेपाल में जो अमेरिकन एम्बेसी थी वहाँ पर कॉल करती है और वो उन्हें बैग की मदद के लिए फोर्स करती है और वो बैग के लिए हेलीकॉप्टर भेजने को मान जाते हैं, पर बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर से वो लोग बैग को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रॉब को देखते हैं जो बाकी लोगों के साथ वहीं पहाड़ों में दफन हो चुका था। यहाँ बैग को नीचे लाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। खून जमने की वजह से उसकी नाक और हाथ दोनों को काटना पड़ा था और आज भी वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ रहता है। जुलाई 1996 में रॉब की वाइफ को बेटी हुई थी और उसका नाम सारा रखा गया था जैसा रॉब ने चाहा था। तो ये था 1996 का वो दर्दनाक हादसा जिसमें कई लोगों की जान गई थी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।